नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरोऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। हर साल 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का कारण ये है कि लोगों के बीच में, पेशेंट्स के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कैंसर क्या चीज है, क्यों होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, जिस वजह से उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से अराउंड 25 मिलियन इंडियंस को कैंसर था 2021 में और ये नंबर बढ़ने वाला है 30 मिलियन तक 2025 तक। तो आप देख रहे हैं कि कैंसर कितना तेजी से फैल रहा है और बहुत ही कॉमन है हम इंडियंस के बीच में। तो कौन से हैं वो सिम्टम्स और क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए जब, और क्या क्या रेड सिग्नल्स हैं जिस वजह से हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, आइए वो डिस्कस करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे यूरोलॉजिकल कैंसर के बारे में, मतलब जो उन शरीर के उन हिस्सों के बारे में जो यूरोलॉजिकल ट्रैक्ट में आते हैं, जैसे किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, पेनिस और टेस्टिस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही मिनिमल माइल्ड हो सकते हैं, पेशाब करने तकलीफ, पेशाब की धार अच्छी ना होना, बार बार पेशाब जाना, ये रात को बार बार उठना पेशाब के लिए, या पेशाब पूरी तरह से अटक जाना। यदि ये सब सिम्टम्स अगर आपको हैं तो जरूर मिलिए अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से, यूरोऑन्कोलॉजिस्ट से, जो आपको आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, बताएंगे कि आगे क्या करना है। वो एक बेड साइड एग्जामिनेशन करेंगे आपका और एक सिंपल ब्लड टेस्ट करेंगे PSA के नाम से, जिस वजह से हमें पता चलेगा कि आगे कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं। ये था प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। नेक्स्ट है किडनी कैंसर। किडनी कैंसर में यूजुअली पेशेंट्स में बताते हैं कि मेरे पेशाब में खून आ रहा है और कुछ सिम्टम्स यूजुअली पेशेंट को नहीं होते हैं। इनफैक्ट मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज्यादा पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उन्हें किडनी का कैंसर। वो किसी और रीजन से सोनोग्राफी कराते हैं और उसमें पता चलता है कि किडनी पे एक गांठ आई हुई है। इसलिए हम सभी लोगों को बोलते हैं कि 45-50 साल की उम्र के बाद सभी को अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिसमें कि सोनोग्राफी जरूर हो। तो सोनोग्राफी से, जो पेट की सोनोग्राफी की जाती है, उससे बहुत सारी चीजें पेट के बारे में पता चलती है, जिसमें से एक है किडनी कैंसर। तो किडनी कैंसर में पेशेंट को हो सकता है पेशाब में खून आए या हो सकता है कुछ सिम्टम्स ना हो। नेक्स्ट है ब्लैडर कैंसर, मतलब पेशाब की थैली का कैंसर। उसमें कॉमनेस्ट सिम्टम, सबसे कॉमनली पेशेंट यही कहते हैं कि मुझे पेशाब में खून आ रहा है। याद रखिए कि पेशाब में खून आने के कारण किडनी कैंसर भी है, ब्लैडर कैंसर भी है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जो नॉन कैंसरस रीजंस हो सकते हैं। तो खून आना मतलब ये नहीं है कि 100% कैंसर ही है, बट डेफिनेटली ये एक डेंजर साइन है और आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से, यूरोऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है। इसके बाद हम बात करेंगे पेनिस का कैंसर, मतलब लिंग का कैंसर के बारे में। उसमें लिंग के ऊपर एक गांठ दिखाई देगी जो कभी कभी पेशाब का रास्ता रोक भी सकती है। दिखने में यूजुअली बहुत सारे मेल्स होते हैं जो बहुत समय तक बाहर नहीं आते, बताते नहीं हैं कि हमारे लिंग पे कुछ ग्रोथ है, कुछ गांठ है, लेकिन यदि किसी को भी ऐसा लगे कि कहीं भी गांठ आई है या सूजन आई है, जरूर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद है टेस्टिकुलर कैंसर, जिसका मतलब है अंडकोश में कैंसर। नॉर्मली कैंसर हमने देखा गया है कि वो 40-45-50 साल की उम्र के बाद ज्यादा कॉमन होता है, बट अंडकोश का कैंसर यानी टेस्टिकुलर कैंसर यंग एज में 15 साल की उम्र से भी, उसके पहले उसके बाद में भी हो सकता है। इतने कम उम्र में भी ये कैंसर डेफिनेटली पाया जा सकता है। पेशेंट्स को सिम्टम में सिर्फ एक सूजन मिलेगी उनके टेस्टिस में यानी अंडकोश में, उनको पेन हो सकता है, पेन ना हो, लेकिन सिर्फ एक सूजन भी हो तो भी जरूर इमीडिएटली डॉक्टर को बताइए। इस साल का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम जो है वो है यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। उसका मतलब है कि हमें एकजुट होकर सबको साथ में काम करना है। सभी जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको सभी की जरूरत है। एकजुट होकर यदि हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लगते हैं, अगर आपके आसपास भी यदि किसी के बारे में आप सुने कि किसी को भी ये सिम्टम्स हैं जो मैंने बताया, जरूर आप उनको बताइए कि आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। इसी तरह से अगर हम एकजुट होकर करें तो डेफिनेटली हर कैंसर पेशेंट अच्छा ट्रीटमेंट हो पाएगा। ये था यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हो, प्लीज आके मिलिए यूरोलॉजिस्ट, यूरोऑन्कोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।